फिजिकल स्टॉक टेकिंग, इसमें से आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। उसी के साथ फिजिकली मतलब ही शॉप में मौजूद मिसिंग स्टॉक या एक्सेस स्टॉक का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आइए अब हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग डॉक्यूमेंट की एंट्री कैसे करते हैं ये देखेंगे। फिजिकल स्टॉक टेकिंग डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए एक्मे इंसर्ट विंडो में मेन्यू बार से बिलिंग मेन्यू पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करें, सिलेक्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट मास्टर्स ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें फिजिकल स्टॉक टेकिंग इस ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। लिस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग डॉक्यूमेंट ये विंडो ओपन हो जाएगी। सर्च बॉक्स में 901 ये नंबर टाइप करके भी फिजिकल स्टॉक टेकिंग डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए इंसर्ट की प्रेस करें। रिकॉर्ड विल बी एडेड ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डेट और डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। फ्रॉम लोकेशन, इसमें जिस लोकेशन का स्टॉक चेक करना है वो लोकेशन सिलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें। कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। सिलेक्ट किए गए लोकेशंस के कोई सब लोकेशंस हैं और वो आप इसमें कंसिडर करना चाहते हो तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्कैन बारकोड, इसमें प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करें। बारकोड स्कैन करने के बाद संबंधित प्रोडक्ट का स्टॉक सिस्टम में बचा होगा तो वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, पर कुछ प्रोडक्ट्स का स्टॉक सिस्टम में ना होते हुए फिजिकली मौजूद होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स का बारकोड स्कैन करने के बाद बारकोड स्कैनिंग इन फिजिकल स्टॉक टेकिंग ये विंडो ओपन हो जाएगी। संबंधित लेबल नंबर सॉफ्टवेयर में से जनरेट हुआ होगा तो आइटम नेम, बारकोड, क्वांटिटी, MRP ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। ओके बटन पर क्लिक करें। अब हम और एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसका स्टॉक सिस्टम में ना होते हुए फिजिकली मौजूद है और जिस पर सॉफ्टवेयर में से जनरेट हुआ लेबल के बजाय कंपनी का बारकोड लगाया गया है और वो बारकोड सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं किया गया है। ऐसा बारकोड स्कैन करने के बाद बारकोड स्कैनिंग इन फिजिकल स्टॉक टेकिंग ये विंडो ओपन हो जाएगी, पर इसमें आइटम का नाम, क्वांटिटी, MRP ऑटोमेटिकली एंटर नहीं होगी क्योंकि संबंधित बारकोड की इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है। इसलिए उस बारकोड की सेल्फ आइडेंटिटी ना होने की वजह से एक्सेस स्टॉक के रिपोर्ट में उस बारकोड का प्रोडक्ट कौन सा है ये नहीं समझेगा। इसके लिए विंडो में आइटम का नाम और उसकी इन्फॉर्मेशन भर ले और ओके बटन पर क्लिक करें। सभी बारकोड स्कैन करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग डॉक्यूमेंट इस विंडो में सेव हो जाएगा। आइए अब हम स्कैन किया गया बारकोड चेक करते हैं। संबंधित डॉक्यूमेंट में कौन कौन से बारकोड स्कैन किए हैं वो देखने के लिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करें या प्रिंट बटन पर क्लिक करें। सिलेक्ट ऑप्शन इस विंडो में प्रिंट चेकलिस्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करें। चेकलिस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें लेबल नंबर अनुसार स्कैन की गई क्वांटिटी आप देख पाएंगे। मिसिंग प्रोडक्ट्स देखना। आइए सबसे पहले हम मिसिंग प्रोडक्ट्स के रीजंस देखते हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की इनवर्ड क्वांटिटी गलत एंटर करना, बिल में मौजूद प्रोडक्ट्स के बजाय दूसरे प्रोडक्ट सेल करना, माल चोरी होना इत्यादि। फिजिकली मिसिंग प्रोडक्ट्स देखने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करें। इसके बाद प्रिंट एक्सेप्शन रिपोर्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करें। सिलेक्ट ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें दो ऑप्शंस आप देख पाएंगे, ओनली स्कैंड आइटम्स। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से सिर्फ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट में ABC और XYZ प्रोडक्ट के सभी बारकोड स्कैन करने से सिर्फ उतने ही दो प्रोडक्ट्स के मिसिंग बारकोड्स आप देख पाएंगे। इसलिए संबंधित डॉक्यूमेंट में एंटर्ड प्रोडक्ट के सभी बारकोड स्कैन करें, वरना उन प्रोडक्ट्स के स्कैन ना किए गए बारकोड्स मिसिंग प्रोडक्ट्स में दिखाई देंगे। सिलेक्ट ऑप्शन विंडो का दूसरा ऑप्शन, ऑल आइटम्स एक्सक्लूडिंग स्कैंड आइटम्स, ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से संबंधित डॉक्यूमेंट में स्कैन ना किए गए प्रोडक्ट्स का मिसिंग स्टॉक आप देख पाएंगे। ये ऑप्शन सिलेक्ट करके रिपोर्ट देखने के लिए सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी प्रोडक्ट्स के सभी बारकोड्स स्कैन करना आवश्यक है, वरना स्कैन ना किए गए प्रोडक्ट्स मिसिंग प्रोडक्ट्स के लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। एक्सेस प्रोडक्ट्स देखना। जैसे आपके शॉप में मिसिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसी तरह से एक्सेस प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। आइए हम एक्सेस प्रोडक्ट्स के रीजंस देखते हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट का स्टॉक इनवर्ड ना करना, सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की इनवर्ड क्वांटिटी गलत भरना, बिल में मौजूद प्रोडक्ट्स के बजाय दूसरे प्रोडक्ट सेल करना। एक्सेस स्टॉक देखने के लिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करें। प्रिंट एक्सेप्शन रिपोर्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करें।
सिलेक्ट ऑप्शन में मनचाहा ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। एक्सेप्शन लिस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। फिजिकली एक्सेस स्टॉक देखने के लिए फिजिकल एक्सेस स्टॉक इस ऑप्शन पर क्लिक करें। एक्सेप्शन लिस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें लेबल नंबर अनुसार फिजिकल एक्सेस क्वांटिटी आप देख पाएंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट सेव करना। रिपोर्ट सेव करने के लिए एक्सेप्शन लिस्ट विंडो में सेव रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। रिपोर्ट सेव हो जाएगा। अब हम संबंधित डॉक्यूमेंट चेंज करके उसमें और कुछ बारकोड स्कैन करते हैं। अब हम इसका एक्सेप्शन रिपोर्ट सेव करते हैं। सेव किए गए एक्सेप्शन रिपोर्ट्स देखने के लिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करें। व्यू स्टोर्ड एक्सेप्शन रिपोर्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करें। चेकलिस्ट रिपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट डेट, सीरीज, डॉक्यूमेंट नंबर, रिपोर्ट डेट, क्रिएशन टाइम, रिपोर्ट नंबर, प्रोडक्ट की बैलेंस क्वांटिटी और स्कैन क्वांटिटी ये कॉलम्स आप देख पाएंगे। प्रिंट डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके रिपोर्ट के डिटेल्स आप देख सकते हैं।